Hi, this is Zara Tareen and you are watching Say It All with Iffat Umar. If you like this video, please like, comment and subscribe. Hi viewers, Haneef Jewelry and Watches present Say It All with Iffat Umar. आज जिस फनकार से मैं आपको मिलवा रही हूँ बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, काम बहुत कम किया है लेकिन जब भी जिसके साथ भी किया है वो उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। यहाँ तक कि हमारे प्रोग्राम में भी हमारे गेस्ट ने उनकी एक्टिंग की इतनी तारीफ की कि उसके बाद हम भी उनका काम देखने पर मजबूर हो गए और जब देखा तो पता चला कि वाकई बेमिसाल फनकार आए। मैं बात कर रही हूँ ज़ारा तरीन। Hi Zara and welcome to my show. Hi Iffat, so good to finally be here. Finally. The much awaited mulaqat. Say It All with Iffat Umar. On Say It All with Iffat Umar. How are you? I'm very well. So are you ready to say it all? I think so. I tend to say too much anyway. Okay, that's what I want. हमारे प्रोग्राम में दो लोगों ने आके तुम्हारी अलग अलग तारीफ की और उनमें से एक तो हमारे एक्टर जिसे हम लेजेंड कह सकते हैं नुमान एजाज। उससे पहले मैंने एक वेब के लिए 10-10 मिनट के एक एपिसोड बनाए, एक प्ले किया जिसमें ज़ारा तरीन साहिबा हैं कराची से। ओह वंडरफुल, नोबडी एवर थॉट अबाउट हर एंड शी इज सो ब्रिलियंट। ज़ारा इज समबडी, शी हैज अ पर्सनालिटी, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज एजुकेटेड, शी इज इंटेलिजेंट, शी हैज अ वेरी वेरी सॉलिड पर्सनालिटी एंड शी नोज हाउ टू एक्ट। दैट गर्ल सीरियसली नोज हाउ टू एक्ट। अल्लाह की तरफ से उसमें एक ये एक कमाल की बात है कि वो बड़ी एक होता है ना पावरफुल पर्सनैलिटी, वो ऐसे आती है सामने कि अगले वाले को डोमिनेट कर दे। शी इज़ दैट स्ट्रॉन्ग। आई सॉ हर फर्स्ट सीरियल एंड आई वाज लाइक ब्लोन अवे। आई वाज लाइक हु इज़ शी, हु इज़ दिस वुमन। एंड देन आई मेट हर एट अ फ्रेंड्स हाउस और मैंने कहा कि भैया आप तो बहुत ही कोई कमाल की अदाकारा है। बट हमारी बदकिस्मत, हमारे शोबिज़ वालों की सोच पे हैरत है और मुझे अफसोस होता है कि चाहे उज़्मा हसन हो, चाहे ज़ारा तरीन हो, चाहे और भी यासरा रिजवी हो, ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत कमाल का काम करती हैं। और ये वो एक्ट्रेसेस हैं ना कि सिर्फ कमाल का काम करती हैं, पढ़ी लिखी हैं। ये ब्यूटी विद ब्रेन्स वाली बात हो गई। और नुमान एजाज को मैं बचपन से जानती हूँ, वो आसानी से किसी की तारीफ नहीं करते। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। मुझे समझ में नहीं आया एक नुमान एंड देन नौशीन आल्सो केम एंड I guess just very blessed. I'm feeling really blessed after a very very long time. Do you have any idea? Because I watched uske baad phir aapki web series dekhna shuru ki. Aapne dekhi? And you are exceptional. Zara, kya wajah hai? Itna talent hone ke bawajood kaam zyada nahi kiya. I think Iffat, ye hum sabki story hai Pakistan mein, nahi? Ab mujhe 10 saal ho gaye hain. Main America chhod kar aayi thi yahan par kaam karne ke liye. एंड 10 साल में अभी ये सीरीज़ हुई है, लेस देन 2 ईयर्स अगो। और जिस वक्त नुमान एजाज कॉल मी, इट वाज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी एक्चुअली। व्हाई? इट वाज एट दैट टाइम वेयर लिटरली दैट डे आई वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इन माय हेड विद माय फैमिली, विद माय ब्रदर इन लॉ अली एंड माय सिस्टर हिरा, दैट आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। क्योंकि जो मैं करना चाह रही हूँ वो यहाँ पर हो ही नहीं रहा। मैं इधर ही रहूँ, कुछ और सोचूँ, क्या करूँ? एंड यू नो फॉर एन एक्टर टू गेट अप एंड मूव एंड रीस्टार्ट एट नॉट एन अर्ली स्टेज इन लाइफ, यू नो आई वाज ऑलरेडी इन माय मिड 30s व्हेन आई स्टार्टेड। वेल आई वाज अबाउट टू गेट इनटू माय 30s। आई थॉट आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक। और काम क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, इस पर हम सारा दिन बैठ के स्पेकुलेट तो कर सकते हैं। ट्राई नॉट टू साउंड टू कंप्लेन, यू नो कि हम कंप्लेन कर रहे हैं या हम बिटर हैं अगर यू नो ये बात करें तो फिर अगले अज्यूम करते हैं सड़ गई, बिटर है, इसको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, इसको मतलब ये अजीब अजीब सी बातें हो जाती हैं। वही अगर यहाँ पे कोई मेल बैठा हुआ हो तो इवन द होस्ट विल बी लाइक, जी सर आपके लिए जो आप डिजर्व करते हैं वो तो लिखा ही नहीं गया। हाँ, तो यही बात है कि हम लोग पता नहीं क्या लिख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग,
बट आई विश कि बस अब हमने वो एक फैक्ट्री जो चलाई हुई है वो चलती आ रही है, अब कैन वी ट्राई समथिंग डिफरेंट. क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हो? किस किस्म का स्क्रिप्ट करना चाहती हो? कहानियों में क्या फर्क ढूंढ रही हो? My imagination is really wild. I can anything from, you know, to period things to actually my what my real interest would be and where I would like to see Pakistan progress as far as women especially go is we need a female superhero. Yeah. Where are our female action superheroes? Where is science fiction? Where is science fiction? पूरी दुनिया का सबसे मशहूर genre है. आप हम थक जाते हैं सुन सुन के audience को ये नहीं समझ में आएगा. आप हमेशा समझते हैं कि हम आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ artsy चीज़ें बनाओ हमारे साथ. एक अगर कोई अच्छा एक्टर है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बैकग्राउंड में यू नो नॉट सो गुड एक्टर इफ़ यू हायर्ड दैट यू योरसेल्फ से ऑन सेट्स दैट वो तो लीड हैं लेकिन हम अच्छे एक्टर्स आर नाउ बिकम इन पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट सपोर्टिंग एक्टर्स. या देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट. यू नो व्हेन यू लुक इंटरनेशनली जिनके साथ हम कंपेयर करते हैं जिन चीज़ों पे हम प्रोजेक्ट बेचते हैं कि हमने तो इस टेक्नोलॉजी पे शूट किया हुआ है, ये है, वो है, वो है, उधर वी वांट टू बी इंटरनेशनल. बट जहाँ हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, जहाँ हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, जहाँ हमें वो फैक्ट्री का बना बनाया काम नहीं मिलेगा, वहाँ हम बोलेंगे कि ज़ारा जी अमेरिका थोड़ी वाई. आप बाहर देखें, देर इज नो इन द ऑस्कर्स, नॉट दैट आई नो ऑफ दैट ऑल दीज ईयर्स दैट आई वॉच, देर इज नो बेस्ट actor negative, best actress negative. It's just either actor or not. Yeah. You know. So I think ये वाली चीजें हैं कि पता नहीं कहाँ से शुरू करें. ये mindset ही नहीं है तो हम दिखें कहाँ से? You know. So काम इंशाल्लाह अब मिल रहा है. यही देखें घूम फिर के उसी चीज पे काम मिला जिसके लिए मैं लड़ रही थी इतना साल. Exactly. You got it. I got law of attraction. And somehow I always say मैं किसी से बात करती हूँ कि नुमान एजाज has saved my life, I think. काशिफ निसार has पता नहीं कहाँ से उनको मेरा ख्याल आया. हम एक ही दफा मिले थे उस कॉल से कोई 4-5 साल पहले शायद हम मिले थे तो पता नहीं कहाँ से उनको मेरा ख्याल आया. और जब फिर उस तरह का प्रोजेक्ट मैंने कर लिया, when I heard it, I said just tell me when I should get on the plane. Just let me know. I went, I came back and I did it. और उस वो फिर काफ़ी एक 1.5 year लगा कि वो लोगों के सामने आए. लेकिन उसमें मेरी वो एंगजाइटी नहीं थी. When I came back, मुझे एक सुकून कि यार ऐसा क्या काम होने शुरू हो रहा है यहाँ. You're so lucky कि तुम्हें ये फीलिंग फील करने का मौका तो मिला. और यही फीलिंग है जो आई वॉन्ट के हमें होनी चाहिए ताकि हम अपने काम पे फोकस करें. हम अपनी स्टाइलिंग पे फोकस कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि उस कमरे से मैं मुड़ी थी तो मैंने इधर हाथ रखा था या वो उन्होंने ये कपड़े पहने थे. वी डोंट हैव टाइम टू डू व्हाट वी आर देयर टू डू. वी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थिंग्स. ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है. बिहाइंड द सीन्स, इन फ्रंट ऑफ द सीन्स, देयर इज सो मच टैलेंट. आई थिंक वी आर जस्ट वी हैव बिकम लेजी. ये भी मुझे क्लीशे लगने लग पड़ी है बात कि हमारे पास बहुत टैलेंट है, हमारे पास बहुत टैलेंट है. अच्छा भी है टैलेंट, फिर एक ऐसा काम क्यों नहीं यहाँ से निकल रहा कि दुनिया कहे वाओ? क्योंकि एफर्ट, वो जो टैलेंट है ना वो काम नहीं कर रहा. जो काम कर रहे हैं, नॉट एवरीबडी, आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीबडी, बट राइट नाउ हम लोग उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग टू. अनफॉर्चुनेटली उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं मिलती. थिएटर में बड़ा काम हो रहा है. मैंने थिएटर भी किया है इसी डेस्परेशन में, वाला आई वाज वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन. और दूसरा मसला पता है क्या होता है इफ़त, इंडस्ट्री में ना आपको लोग एडवाइस भी बहुत गलत करते हैं. यू नो क्या कर रही हो? जो आ रहा है करो, जो आ रहा है करो, नजर आओ टीवी पे, ये करो. और इसी चीज से माई करियर कॉज मी मेजर डिप्रेशन बिकॉज आई वाज लाइक क्या मैं गलत कर रही हूँ? शुड आई हैव होप? बिकॉज अगर जो आ रहा है वो मैं करने शुरू हो जाऊँ तो दैट मीन्स आई हैव लॉस्ट होप आल्सो. फिर तो वही फैक्ट्री में मजदूर लग गए. वही हर चैनल पे मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा हो, मैक्सिमम वैसे ही अ फीमेल हैज अ वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ इन दिस कंट्री. तो या दैट टू.
वैसे ही तो अगर हर चैनल हर कैंपेन हर चीज में मैं 10 साल में अगर मैं होती तो आज मैं आपके पास बैठी भी ना होती शायद. सही बात है. क्योंकि आई वुड हैव बिकम न्यूज एंड बिकम ऑल न्यूज बाय माय सेल्फ. क्या समझती हो कि अगर तुम्हारे हाथ में ये मौका आ जाए कि तुम इस इंडस्ट्री में से तीन चीजें निकाल सकती हो और तीन चीजें ऐड कर सकती हो. तीन इज अ वेरी अच्छा जो ज़हन में आता है जो ज़हन में आता है. देखिए हम या तो स्पेसिफिक्स पे बात कर सकते हैं या तो हम सोच पे बात कर सकते हैं. स्पेसिफिक्स पे आए तो वी हैव एब्सोल्युटली जीरो वर्क एथिक. आई एम सॉरी टू से वी हैव जीरो वर्क एथिक एंड आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अस प्रोफेशनल्स. बिल्कुल सही है. बिकॉज हम क्या करें हम जब प्रोफेशनल होते हैं स्पेशली अगेन फीमेल्स तो हाँ. आपको एटीट्यूड प्रॉब्लम है. आप तंग करती वो तो तंग वो तो भाई उनसे तो हमें डर लगता है. वो तो बहुत तंग करती है उसको नहीं लेना. हाँ और जो एक्चुअल जो तंग करने वाले लोग होते हैं दे आर केटर टू. सो देन व्हाट यू आर टीचिंग द न्यू पीपल एंटरिंग दिस फील्ड इज आपको प्रोफेशनल नहीं होना. आपको दो तीन टेंट्रम्स थ्रो करने हैं आपको ग्लास तोड़ने हैं आपको लोगों के साथ सेट पे बदतमीजी करनी है तभी तो लोगों को लगेगा कि आप स्टार हैं. ड्रामे से अदब से इन चीज़ों से आपके समाज में चेंजेस आते हैं ठीक है और आने चाहिए. ठीक है ये बहुत बड़ा मीडियम है. पावरफुल मीडियम. मतलब आप ये देखें कि सब देखते हैं ड्रामे. आप सिखा क्या रहे हैं उनके जरिए. सिर्फ मोहब्बत की प्रॉब्लम सिर्फ शादियों के प्रॉब्लम. आई थिंक प्रॉब्लम ये कि हम एक्चुअली सिखा ही नहीं रहे कुछ. हम सिर्फ बनाने के लिए बना रहे. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे लगता है जब भी कोई मुझे स्क्रिप्ट ऑफर होती है कि मुझे लगता है कि हर ड्रामे में एक हमारे ना वो प्री डिटरमिंड 5-6 कैरेक्टर्स हैं. बिल्कुल. दो तीन लड़के होंगे जिनमें से एक बदमाश होगा एक बेचारा हीरो होगा और एक मजबूर होगा. ऐसे ही लड़कियों का और वो ही होता है कि स्क्रिप्ट आती है और फिर लोग बोलते हैं अच्छा ना ये वाला इधर रख दो ये यूँ रख दो ये यूँ रख दो उसको पैकेज करके ये ले ड्रामा. वी आर वेस्टिंग आर स्क्रीन स्पेस. वी आर वेस्टिंग द रीच वी हैव नाउ विद यूट्यूब ओपनिंग अप. अब आप देखें हमारा जो रेटिंग सिस्टम है विच आई डोंट नो हाउ वेरीफाइड इट इज़. आई नो हाउ रेटिंग्स वर्क इंटरनेशनली. आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या होता ये तो है? किसी को आज तक समझ नहीं आई. कुछ चंद घरों में लगा हुआ है और उन चंद घर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या नंबर उसकी भी बड़ी साइंस है. फत वो ऐसे ही नहीं होता कि एक बॉक्स लगा हुआ होता है. देयर टाइमिंग्स यू हैव टू नो यू नो इफ अ किड इज वाचिंग टीवी राइट नाउ तो देन यू डू दैट. इफ यू नो अ टीनेजर इज वाचिंग इज इट अ गर्ल. आई मीन देयर इज अ ह्यूज साइंस टू दिस. तो हमारे जो एकदम हम बोल देते हैं कि हमने ये वो कर दिया. आई थिंक अब तो एक्चुअल अगर किसी ड्रामे का चेक करना हो तो जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ हाउ पॉपुलर इट इज. हम सब तो YouTube पे ही देख रहे हैं. हमें कहाँ टाइम मिलता है. बिल्कुल. अब तो मेरी अम्मी और हमें जो हम बोलते हैं कि नहीं आंटियाँ देखती हैं आज तक टीवी पे. आई एम सॉरी दे डोंट. दे डोंट. दे डोंट. माई मॉम वॉचेज एट नाइट. माई खालाज वॉच एट नाइट. एवरीबडी आई नो दे वॉच ऑन YouTube. तो उधर ही आपको पता चल जाता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो आई एम वरीड जेन्युइनली फॉर अबाउट टेलीविजन. मी टू टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम वेरी वरीड. आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड. I think you're looking for the word heartbroken also. Yeah. Right? Yeah. This is not a coincidence ki hum sabko ye feel ho raha hai. To kab sunenge kab sunenge. Maine abhi tak jitne bhi interviews kiye hain maine logo se yahi sawalat puche hain. Aur yakeen karo kisi ne mujhe ye nahi kaha ki hum bade khush hain. Hum bade khush hain. I mean hum muqabla India se hi karte hain na. Hamara exact muqabla wahi se jaake banta hai. Which is weird क्योंकि हमारे टी वी का तो मुकाबला कहीं है ही नहीं. हम उनका टी वी तो हमारे टी वी के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकता था. लेकिन उसके बावजूद हमने ये कर दिया. अब मुझे डर है कि हम वही हैं जो अब मूवीज के साथ भी ये ना कर लें. क्योंकि उम्मीद अब तो है मूवीज पे भी ना नहीं आए हैं. I don't know कि उम्मीद और ना उम्मीद इंडस्ट्री स्पेसिफिक अब है. अब मेरे लिए शायद वो पाकिस्तानी लोग हैं ही ऐसे हो गया है. Which I don't want to feel. I don't, you know, it for me it's a personal failure अगर मुझे लगे कि यार यहाँ तो बस यही है तो अब मैं क्या करूँगी. That's a very dark future for me. But कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है. But I hope कि हमारी उम्मीद जो है ना जो चेंज सिर्फ ट्रेंड्स में आती है कि 5 साल हम तंग हो गए फिर एक ड्रामा आया जिसने थोड़ा सा कुछ अलग किया. तो इंस्टेड ऑफ सोचना कि देखो अलग चीज़ें काम करती हैं
वो बजाय कि वो हम करें ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, सारे के सारे ड्रामे फिर उसी टॉपिक पे फिर वो ही बनाने शुरू हो जाते हैं. अब द रीज़न आई ब्रॉट अप यूट्यूब वॉज कि ये जो हमें ऑडियंस की बात की जाती है, आपको भी स्क्रिप्ट आती होंगी, मुझे भी आती है, और आप बोलती होंगी यार वाकई जी ये कौन देखेगा और ये किसने पहले नहीं देखा हुआ, हाँ. और ये मैं क्यों करूँ इस वक्त, कैन वी डू दिस. तो लोग बोलते हैं नहीं, मैसेस. वी आर इन द एज, इट्स 2020 नाउ. मैंने गांव में लोगों के पास तीन तीन फोन देखे, मुझे तो एक बर्दाश्त नहीं होता. बिल्कुल हर घर में टीवी है, हर हाथ में टीवी है. लोग नहीं देख रहे, बिल्कुल देख रहे हैं. और यही सात मुलाकातें जो हमने किया, उसके नीचे कमेंट्स क्या है कि यार ये कंटेंट टीवी पे क्यों नहीं है. कैसा रिस्पॉन्स है उसका? अमेजिंग. और मुझे पता था, और यही बिलीफ नुमान एजाज को भी था और यही काशिफ निसार को था, तभी तो हमने ये किया. तो जो हमारे ये डिबेट है कि हमारी ऑडियंस रेडी नहीं है डिफरेंट काम देखने के लिए, हमारी ऑडियंस को तो ये पसंद ही नहीं आएगा, ऐसी चीज़ तो बननी नहीं है, क्या हम बहुत ही बेवकूफ़ ऑडियंस को समझ मेरे साथ बात करें इस टॉपिक पे. इंटरनेट खोलते हैं हम, देखते हैं कॉमेंट्स बैठ के. दिस इज़ अ लेजी एक्सक्यूज. आई थिंक हम लेजी हो गए. मेरे ख्याल से हम लेजी भी हो गए हैं और हम सोच भी नहीं रहे हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी नहीं है. सोचना भी काम होगा ना शायद, इसलिए आई डोंट नो. अच्छा एक एक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब अल्लाह फेम देता है, आपका एक नाम बनता है, लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, एक एक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बस आया, काम किया, पैसा कमाया और इंजॉय किया. I have a very long way to go right now, but I always feel responsible about what I'm saying online. Sometimes I am very outspoken. Kabhi kabhi aisi cheeze hoti hain jin pe dekhen baat ye ki human beings are constantly evolving. So is your soch, thought process. Bilkul sahi hai. What you might think is okay today, next week you might think, what was I thinking? Because the information I had today, it did not create any kind of a moral question for me. To be like, right now I think this is fine. Maybe next week I find out something about the same situation. I am allowed to change my opinion. It should not be held against me. But yes, we do have a major responsibility. Lekin hamari responsibility ki had, hum jis medium pe kaam karte hain udhar tak hai. To agar wo hi medium distort kar raha hai hame, regardless of what I feel on something, that is unfair to us also. Yeah. कि लोग आसानी से बोल देते हैं कि actors आके opinion दे देते हैं, liberals हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये नहीं. We don't. When do we talk? कुछ बोलें तो problem है, कुछ नहीं बोलें तो problem है कि you are responsible, you're not saying anything on this topic. Bilkul sahi baat. People want you to only talk about a topic that they're looking for more gossip on. No one ever asks you to talk about a serious topic that they are looking for a solution for. Jo aapko statements lene ke liye log aate hain, kabhi wo ek aisa bada issue nahi hoga jo sadiyon se exist kar raha hai. Wo hamesha is waqt jo news pe chal raha hai, agar aap is side ka side nahi lenge to then you are guilty also. There's so many things like this. Drama ke through bahut change laya ja sakta hai. Agar aap ye shor machate hain ki koi acche topic pe you're promoting the negative image of Pakistan, sometimes koi cheez dikhana jo ho rahi hai uska matlab ye nahi hai ki aap promote kar rahe ho. There's a big difference in documenting and then promoting. To har wo topic jo aapke liye thoda difficult hai kyunki aapke liye wo taboo hai, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक नेगेटिव इमेज नहीं करता, वो एग्जिस्ट नहीं करता. यू नो, इफ द ट्री फॉल्स इन अ फॉरेस्ट एंड इफ देयर इज नोबडी टू हियर इट, डिड इट स्टिल फॉल? या डैम राइट इट फेल. सो वी हैव टू बिकम कंफर्टेबल विद आवरसेल्व्स टू इवन नो कि पहले शुरू कहाँ से करें, इसको अप्रोच हम कैसे करें. वी कैन जस्ट कम ऑन द टीवी और फिर तुम बकवास बंद करो और यू शट अप. हमने थोड़ी सी गहरी बातें बहुत ज़्यादा कर दी हैं, थोड़ा सा मूड लाइट करते हैं और मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस अब पूछूंगी जिससे पता चलेगा कि ज़ारा की सोच क्या है. ज़ारा को मौका मिल रहा है पूरी दुनिया को कुछ कहने का, पूरी दुनिया सुन रही है ज़ारा को. 30 seconds हैं, क्या बात करोगी? आई विल जस्ट से वन फ्रेज, शट अप एंड लिसन. And what do you want to say?
listen to each other. Okay. Listen to what's going on. मुझे लगता है कि it's more, there's too much noise and there's not enough things being, they're being, you know, people can hear you but they're not listening. So I think that I wish there was a world silence day where for hour, वो नहीं होता blackout day जैसे होता है जो सब लाइटें बंद कर देते हैं. Just for, you know, 10 minutes. Yeah. Everybody should just go quiet. Achha, if you could disinvent any invention, kya hogi? The smartphone. Why? I'm so sick and tired of it. I think ki internet tak sahi tha. But I think jo ye smartphone jo aaya hai na, usne baki, we have already become robots. It's you've gone inwards. Okay. You know, it's I think ever since I haven't looked up any studies, but I believe that the smartphone is probably what's going to lead to the end of mankind, because I think that it really it's a very isolating device. No, and you don't need anybody. And I think that is where you'll start seeing that with depression and all this and anxiety, hum sab karte hain. जब मैं काम नहीं कर रही होती तो कभी कभी मैं कमरे में इतने घंटे दिन गुजार देती हूँ. कभी कभी स्मार्टफोन नहीं होता तो बाहर आते लोगों से बात करती हूँ. क्या हो रहा है. मेरा तो टाइम नहीं गुजरता कभी फोन डिस्चार्ज हो जाए या कुछ हो जाए. चार्जर्स लेके हम लोग घूम रहे होते हैं. 80% चार्ज है, चार्जर उठाओ. अच्छा जी, प्राइवेट प्लेन मिल गया आपको, सबसे पहले कहाँ जाओ? Does this plane fly into space? Anywhere, okay. Outer space. Really? Bachpan se hai mujhe. Something with space and just being out there. Okay. Yeah. What are you really bad at? I'm bad at probably a lot of things. I'm trying very, very hard to change this in my life, but I'm very, very bad at stress control. What qualities do you look in a friend? कौन है जो तुम्हारे दोस्त बनते हैं? तुम देखते हैं, हाँ ये मेरा जिगर, मेरा यार है. पता है, मैंने realize किया है घूम फिर के family में ही ऐसी दोस्ती होती है, या cousins हो या क्या हो. But any lifelong friends like this that I have, obviously वो लोग हैं जिनके साथ आप बचपन से स्कूल गए और बड़े हुए, तो वो वाले सारे दोस्त मेरे अमेरिका में अभी तक हैं. लेकिन हैं. But I think what makes a really good friend, just love, respect and trust in any relationship. Recycling, how important is it for you? I will admit that I have not been good at it. It is very important. We would be stupid if we think this is not important, to sit here and say, oh, it doesn't matter, climate change is not a real thing. But Pakistan jaise mulk mein mushkil bahut hai. Exactly. वहाँ पे हम होते थे तो हमारा ट्रैश सेपरेट होता था, ग्लास, प्लास्टिक, एवरीथिंग इज प्लान्ड, यू नो, वी वर ऑटोमेटिकली, इट वाज बिल्ट इनटू आवर लाइव्स दैट वी वर डूइंग इट. हियर इट्स वेरी हार्ड. कहाँ करें? कचरा फेंकने की जगह नहीं है तो रिसाइकल हम कहाँ करें? कराची में तो वो भी नहीं है. वो भी नहीं है. वो भी नहीं है. आप रेंट्स देख लें, प्रॉपर्टी प्राइस देख लें, उसके साथ आप देख लें क्या हो रहा है. So yeah, recycling is very important, and I think that the government should definitely work towards it, and I think cities should be fined who don't do it. Yeah, excellent idea. Relationship mein ek dusre ke liye aap perfect kaise hote hain? Tumhare liye ek perfect partner kya hai? I don't think a perfect partner exists. I think relationship, who will do? I think perfect, I guess वो लोग होते हैं जो एक दूसरे की imperfections accept कर लेते. Who will do? Anybody would. I don't have any, you know, requirements कि ये भी हो वो भी हो. My requirements are very simple, जो हर इंसान की होती हैं. Companionship, somebody you can share everything with, somebody who's more like a friend, somebody who feels like they're already your family. You know, comfort, ultimate comfort level. You can tell him anything. Anything. Are you single or in a relationship? I am single.
very much. How come a woman like you? How come, Zara? This is a question. Shame on you. Shame on me. Yes. Shame on the guys. Shame on the guys. I'm single. You'll be very surprised. No one approaches me. How is that possible? I don't know. Sir, ever been in love? I thought I was. Mm. I thought I was. And what happened? Now it's hard to say because you know the further those experiences go away from you, और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो उस वक्त क्या फीलिंग थी. But उस वक्त जब था तो I was 100% in love. You were in love. I was 100% in love. In love. And I was committed also. कैसी हो जाती है ज़ारा जब वो in love होती? I really like myself in love actually because I feel like a very nurturing side. I'm a very nurturing person. So that really comes out and I don't know, who doesn't like to be just be in love. Yeah. Who doesn't want this? No one is too cool for this. Anybody who says, oh, I don't believe in love, you know, I think love bahut hi, I think hum usko galat samajhte hain. I don't think ki wo ek din ho jata hai. I think love happens over time. I think the ingredients have to be there. But I think love happens over time. Kabhi kabhi mujhe lagta hai main kabhi kabhi old couple se milti hu that have been together for 50 years and they're just, you can tell that they have a different love that we can't even imagine, that we won't even call this being in love. You can't relate to it, now you're young. But I can relate to it because that tells me that you know what, this is it. You work towards love. It just doesn't happen. Like wo nahi hota love at first sight. The, you know, a man and the brain, the way God has made human beings, I think is very interesting. I think the brain is a very, very strong thing. Oh, it is. So I think that we are set up for initial triggers to kind of nudge us in the right direction. They may be attraction, they may be anything. But I think uske baad, how you handle a relationship eventually can grow into love if you give it a chance. और लव क्या एक ही दफा होता है कि बार बार हो जाता है? आई थिंक हो सकता है बार बार. मुझे लगता है कि पिछली दफा से ज्यादा होता है. बिल्कुल हो सकता है बिकॉज़ इस दफा हर दफा आपको ये पता चल जाता है कि नॉट ओनली व्हाट द अदर. आई थिंक द मोस्ट यू शुड लर्न इज व्हाट वेयर यू फेल्ड इन अ रिलेशनशिप सो यू डोंट डू दैट अगेन अगेन एंड व्हाट यू एक्चुअली वांट इन अ रिलेशनशिप. वो ही सारी जिंदगी लग जाती है खुद ही फिगर आउट करने में. एट व्हाट एज डिड यू रियलाइज यू आर एन एडल्ट? Sometimes I feel like abhi tak I have not realized that I'm an adult. Okay. Yeah. I have, you know, very different things going on. Ek din I'm a very super serious, oh my God, I have to do all this. And then the next day, I'm just a complete buffoon. Okay. Yeah. So, kabhi kabhi ye feel hota hai ki shayad badi nahi hui hu main. Aur phir kabhi kabhi lagta hai bahut jaldi bade hoon. Okay. Everybody has a personal image of God. I have mine. Yes. I'm sure you have yours. Mm. What is yours? I think every time I think of God, there's just this one overwhelming feeling that I get, and it's of kindness. That's it. Acha, main choices wale questions dene lagi. Ab imtihan hoga. This is where I get in trouble. Numan Ejaz or Humayun Singh? Numan Ejaz. Fawad Khan or Fahad Mustafa? I don't know either one of them. Working wise, na hi maine inke saath kaam kiya hai. But I must say that I'm a big fan of Fawad Khan's. Not for the typical reasons, but from what I can see, I feel that he really has a good grip on his approach on how to take things, and he is a good example and inspires me also to always know what you want to do and do those things. Saba Qamar or Mahira? This is a difficult one. And I want, I think they're very different, both of them. Ek to comparison, I think, is a, you know, do I have to answer this? Yes. Because Myra has been able to crash through a ceiling somehow, yeah, and make a mark everywhere she's gone. Oh, yes. So just for that reason, Myra. Mehvish or Maya Ali? Mehvish Hayat or Maya Ali? Again, two completely different girls.
I know Mehvish, and I really, really like Mehvish. I love how vocal she is. Oh yes. Maya ka maine sirf movie dekhi hai, Tifa. So main personally nahi janti, so in this case I would say Mehvish. Nausheen Shah or Sonia Hasan? Nausheen Shah. Adnan Siddiqui or Faisal Qureshi? Haven't worked with either of them. Must have seen their work. So this is work wise. I would say Faisal Qureshi, because I've seen much more of risk taking in him. Okay. Sajjal or Ikra? Sajjal. Savera or Sania Saeed? I must confess, I haven't seen much of Savera Nadeem's work. Okay. और सानिया सईद का जब काम देखा था तो वो अमेरिका मूव होने से पहले ही देखा था बट देर इज अ सर्टेन सॉफ्ट स्पॉट आई हैव फॉर सानिया सईद एहसन खान और फिरोज खान फिरोज के साथ मैंने काम किया है सो फिरोज ओके फिरोज इज वेरी हार्ड वर्किंग नदीम बेग और वजाहत रऊफ वजाहत आई हैवंट वर्कड विद नदीम आई स्टार्टेड माई करियर विद नदीम बेग Oh, you did? I did. Okay. I did. जब जियो लॉन्च हुआ था तो उनकी टेलीकास्ट में our first sitcom नदीम बेग had directed. Oh, so excellent. That was my first major acting project. He's was such an amazing director. He is. He is Nadeem. An amazing What Nadeem knows, what not a nice anyone human knows. Being. Oh, yes. He has full command on everything. Nadeem has been through every change in this industry. Yeah. He has been there and he's been on top of his game whenever it has changed. And I feel like he's like a chameleon. Yeah. Nadeem can do anything. Anything. Nadeem should do an action film and cast me. Okay, I'll tell him that. That's what I want to talk about is those action. And that's your dream role? Yes, I want to be an action hero. Why not? Yahan pe hum ek Why not? Hero right now, ye jo hum sari baatein kar rahe hai na, we need to communicate these through our art. Okay. We need to communicate these through what we can, what God has given us. Yes, women power. Women power. Empowerment can come from me yes. exhibiting what I can do. So it can drive other people to say that I can do it too. So that's how we can do it instead of fighting online. Thank you so much for this lovely interview. I hope you had a good time. I had such a great time. I feel like it wasn't enough time. Yeah. अगेन हम दोबारा करेंगे ठीक है डन है और इसके साथ ही फतेह उमर को इजाजत है अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे